Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker. Psyche Seeker हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर यूनिक वीडियोस अपलोड की जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसमें क्लियर हो सके, आप साइकोलॉजी को ज़्यादा अच्छे समझ सकें और उसमें लर्न करें, उसमें ग्रो करें. और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, सब टाइटल्स हैं उसके. उर्दू में भी आप उसको देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं. सो जहाँ जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उस वीडियो को देख सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट फाइनल पेपर प्रिपरेशन. जो फाइनल एग्ज़ाम है आपके वो उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई गई है जिसपे बहुत रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की. और ये वीडियो का पर्पज़ जो है इसमें आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जिससे आपका 4 CGPA आएगा. अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और जितने भी हाइलाइटेड यहाँ पर MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs और क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हर बार आते हैं और जो आपके क्विज वगैरह में आते हैं, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं या जो भी MCQs हैं हर चैप्टर में से आपको कंप्लीट गाइडलाइन ही इसमें मिल जाएगी वीडियो में. और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आप एक चैप्टर से आपकी प्रिपरेशन जो होती है जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट हैं MCQs वगैरह हैं या क्वेश्चंस को हाईलाइट करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हर स्टूडेंट को शफल होकर मिलते हैं. और इस तरह से सारे ही वो MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सबको ही आते हैं, वो डिवाइड होकर आते हैं सब स्टूडेंट में. और तो इस तरह आपने हर चैप्टर में से जितने भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पहले भी आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, आपने उनको चेक करना है. और इस तरह से हर चैप्टर को आपने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको कवर करना है. और इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा अबाउट द मोस्ट रिपीटेड MCQs और क्वेश्चंस ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से MCQs आते हैं या फिर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. बिकॉज हम स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं है तो इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि MCQs का उन्हें आइडिया नहीं है किस तरह से आएंगे या फिर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे. सो यहाँ पर आपने खुद ही जो है वो क्वेश्चन को देखना है और अपना एक माइंड सेट बनाना है. और पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसके हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा. सो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है. लेसन नंबर 19 से ऑनवर्ड जो है अभी लेसन स्टार्ट है फाइनल टर्म की, लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं आई. सो जब अनाउंसमेंट आएगी आपने जिस लेक्चर से वो बताएंगे आपने उस लेक्चर से इसको देखना स्टार्ट कर देना है. OCD से हम स्टार्ट करते हैं. OCD और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उस वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आया हुआ है जो कि ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस जो है वो क्या होता है, तो उसको आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. और इस तरह जनरल क्वेश्चन होगा ये आपसे और 5 मार्क्स एक क्वेश्चन में होगा जिसमें 2.5 ऑब्सेशन के मार्क्स होंगे, 2.5 जो है कंपल्शन के मार्क होंगे. और इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल्स, उसको क्लैरिफाई करना है आपने. देन इसमें कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है वो आपके MCQs में भी पूछा जाता है. और इनमें जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डिफाइन करना है इनको. और DSM-4 और DSM-5 जो है इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं. एंड OCD जो है इसके बारे में कंप्लीट जो है, यानी ऑब्सेशंस क्या होते हैं, उसके अलग से फीचर्स क्या हैं ऑब्सेशंस के, एंड देन कंपल्शंस क्या हैं उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स विद एग्जांपल्स आपने बताना है, मेंशन करना है. एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो लेंथी वाला होता है वो नहीं आता आपको कभी भी, बल्कि उसमें से उसके जो पार्ट्स होते हैं वो पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि ऑब्सेशन और कंपल्शन का पूछा जा सकता है OCD में. और इसका जो लेंथी यानी इसके जो कंपल्शंस और ऑब्सेशंस जो हैं इसके अलग से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पार्ट्स हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कंपल्शंस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिफाइन करें, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है. ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं. स्पेसिफाई इफ यानी अगर स्पेसिफाई कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं यहाँ पर. और इसकी डेफिनेशन दी गई होगी, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है ये पुअर विद पुअर इनसाइट है, विद गुड इनसाइट है या विद एब्सेंट इनसाइट है. और ये बहुत बार आया हुआ है MCQs ये भी. बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बिकॉज कंसेप्चुअल MCQs आते हैं जिसमें उन्होंने कंडीशन बताई होती है किसी भी पेशेंट की और आपने उसको डायग्नोस करना है कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है. सो BDD जो है वो क्या होता है ओवरऑल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है आपसे. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी ईजी है, ये भी आ सकता है जिसमें जस्ट ABCD 4 ही हैं इसका क्राइटेरिया जो है.
नेक्स्ट है स्पेसिफाई, इसको हम विद मसल डिसमोर्फिया के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड देन इसकी अगेन जो स्पेसिफाई है वो गुड इनसाइट, पुअर इनसाइट और एब्सेंट इनसाइट के साथ है. एंड देन होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी इजी है. और होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि क्या ये डिसऑर्डर कौन सा होता है, बिकॉज कोई भी स्नैरियो आपको दिया जा सकता है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर ये क्वेश्चन में आ सकता है कोई स्नैरियो, या फिर ये एमसीक्यूज में आ सकता है जिसमें से आपने उसको रिकग्नाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसऑर्डर है. यहाँ पर उसका जो स्पेसिफाई है वो एक्सेसिव एक्विजिशन के साथ है, पुअर इनसाइट के साथ है, गुड इनसाइट के साथ है और एब्सेंट इनसाइट के साथ भी है. नेक्स्ट भी ओसीडी से रिलेटेड है चैप्टर, जिसमें ट्रिकोटिलोमेनिया है, जिसमें हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है. और इसके ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है ये डिसऑर्डर, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है इसका, बिकॉज ये शॉर्ट शॉर्ट जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं. एक्सकोरिएशन जो है स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है, इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ओसीडी, ये सारे जो जितने भी सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस होते हैं डिसऑर्डर होते हैं, इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही होता है. जस्ट फ्यू डिफरेंस इसमें आपने जो डिसऑर्डर है उसको मेंशन करना होता है बस, बाकी सब क्राइटेरिया है वो सेम होता है. और ये इजी है, मोस्ट इजी है, इस तरह ये क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है. और ओसीडी अदर रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू मेंटल मेडिकल कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका भी. और स्पेसिफाई जो है कि हम इसको किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स और विद अपीयरेंस प्रीऑक्यूपेशन, विद होर्डिंग सिम्टम्स है, विद हेयर पुलिंग सिम्टम्स हैं, या विद स्किन पिकिंग सिम्टम्स हैं. अदर स्पेसिफाइड ओवरऑल आपको आ सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में. और अनस्पेसिफाइड भी इम्पॉर्टेंट है. अब एटियोलॉजी क्या है ओसीडी की, इसमें जेनेटिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं आपके कुछ, और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, ये बहुत बार आए हुए हैं पेपर में. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो इस तरह से अलग से कोई भी फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि ओसीडी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताएं, या फिर टेम्परामेंटल पर्सनल फैक्टर्स बताएं उसके. और जो येडिस्टाइन, यहाँ पर येडिस्टाइन सेंटेंस का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से. बिहेवियर एक्सप्लेनेशन क्या है कंपल्शंस की, और उसकी एटियोलॉजी बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर की क्या है, उसके जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, और एटियोलॉजी ऑफ होर्डिंग डिसऑर्डर, इनकी अलग से एटियोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि होर्डिंग डिसऑर्डर के कॉजेज कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं. सो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल टेम्परामेंटल फैक्टर्स, कॉग्निटिव जो बिहेवियरल मॉडल है इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस हवाले से, ओसीडी के हवाले से. सो ट्रिकोटिलोमेनिया एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर की एटियोलॉजी सेम ही है, जिसमें उन्होंने जस्ट जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का बताया है, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. नेक्स्ट है ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनमें डेफिनेशन इसकी, स्ट्रेसर क्या होते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है. तो इस तरह से आपने वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है, अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये एमसीक्यूज जो है ये आ सकता है, ये डेफिनेशन है इसकी, और जिससे आप वहाँ पर जाकर ब्लैंक नहीं होंगे. अगर वो एमसीक्यूज आता है तो आप इजीली इसको पिक कर लेंगे, जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्दी से उसको जो है वो आप मार्क कर देंगे, और आपके जो है वो उसमें मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज आपका सारे जो है वो इस तरह राइट हो जाएंगे. एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, इनकी जो वर्किंग है इसमें ACTH का जो रोल है वो क्या है, और जो मेजर स्ट्रेस हार्मोन है वो कौन सा है. तो इस तरह से डिफरेंट वेज में आपसे एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में. और जनरल फीचर्स क्या हैं ट्रॉमा के, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनकी टाइप्स क्या हैं, इस तरह से आगे जो फर्दर जो है डिसऑर्डर हैं इस कैटेगरी में, इसको आपने अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज का चेक करना है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेंथी है वो नहीं आएगा आपसे, जस्ट जनरल क्वेश्चन होगा कि इस डिसऑर्डर के बारे में बताएं, या फिर कोई स्नैरियो दिया गया होगा जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इस पेशेंट को ये डिसऑर्डर है, और फिर इसका स्पेसिफाई जो है वो भी देखना होता है कि परसिस्टेंट है या नहीं, सवेरिटी उसकी देखनी है कितनी है. डिमिनिश सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है,
इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अगर शॉर्ट है तो आपने इसको देख लेना है, और इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर क्या है, उसका फर्दर वही कैटेगरी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है मेंशन है, एंड देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, इनकी ड्यूरेशन कितनी है, ये भी अच्छे तरीके से देखना है, बिकॉज ड्यूरेशन भी आपसे पूछी जा सकती हैं, और अगर स्नैरियो दिया गया होगा उसमें उन्होंने ड्यूरेशन भी मेंशन कर दी होगी कि सिम्टम्स ये हैं और इसकी ड्यूरेशन इतनी है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसके बारे में, देन ईजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन अच्छे से तरीके से देखनी है आपने कि किस डिसऑर्डर की ड्यूरेशन क्या है, बिकॉज ड्यूरेशन के डिफरेंस से भी जो डिसऑर्डर के नेम है चेंज होते हैं। और नेक्स्ट है डिसोसिएटिव सिम्टम्स के साथ है स्पेसिफाई देखना है, डीपर्सनलाइजेशन है, डीरियलाइजेशन है, या डिलेड एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट भी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें भी जस्ट ड्यूरेशन का ही डिफरेंस है, और ड्यूरेशन सबकी अच्छे तरीके से देखनी है। इन दोनों इन सब में जो डिसऑर्डर हम देख रहे हैं अभी, इनमें ड्यूरेशन का ही डिफरेंस है, और ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल में। इसमें डिसोसिएटिव सिम्टम्स क्या हैं, अराउजल सिम्टम्स क्या हैं, इनकी अलग से जो कैटेगरीज होती हैं, इनमें जो पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से देखने हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट चेक करना है, स्पेसिफाई क्या है, डिप्रेस मूड के साथ है या एंग्जाइटी के साथ है, और मिक्स एंग्जाइटी है या डिप्रेस मूड है, या डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट है या डिस्टर्बेंस, ये सारी जितने भी स्पेसिफाई हैं वो भी अच्छे तरीके से देखने हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के, और जिसमें प्री ट्रॉमा फैक्टर्स हैं, पेरी ट्रॉमा है, पोस्ट ट्रॉमा है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों आके एमसीक्यूज में भी आप पूछा जा सकते हैं, या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं, और किसी एक को आपने एक्सप्लेन करना है, या इस तरह के कोई क्वेश्चन आ सकता है कि प्री ट्रॉमा जो है फैक्टर्स कौन से हैं, या पेरी ट्रॉमा के फैक्टर्स कौन से हैं, या पोस्ट ट्रॉमा के फैक्टर्स कौन से हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें जो एमसीक्यूज हैं हाईलाइट कर दिए गए हैं, इनमें डिफरेंट जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं इनमें से। टेम्परमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और अप्रेजल भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकेंडरी प्राइमरी अप्रेजल क्या होते हैं, एक ये क्वेश्चन भी है और आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें कोपिंग स्ट्रेटजी जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है और प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है, तो इन दोनों को देखना है। पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल हैं, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, पर्सनल फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, न्यूरोटिसिज्म क्या है, और न्यूरोटिसिज्म ये किस चीज़ का फैक्टर है। एंड देन 23rd चैप्टर है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स जो हैं वो मैच करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ, और इसमें क्या चीज़ है, आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या होती है, और जिसमें इसका क्राइटेरिया है फर्दर, और इस कैटेगरी में कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जो सब पर्सनैलिटी जिसमें होती हैं आपकी, एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं। और हाउ डू सब पर्सनैलिटीज डिफर, किस तरह से डिफर करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है ओवरऑल। एंड हाउ डू सब पर्सनैलिटी इंटरेक्ट, किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एमसीक्यू से बहुत बार आते हैं। म्यूचुअली एमनीशिक रिलेशनशिप्स क्या है, या म्यूचुअली कॉग्निजेंट रिलेशनशिप क्या है, या एमनीशिक वन वे रिलेशनशिप क्या है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। वुमेन और मैन में उसका रेट कितना है, और डिसोसिएटिव एमनीशिया क्या होता है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसमें जो टाइप्स ऑफ एमनीशिया है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और इसमें लोकलाइज्ड एमनीशिया जैसे सेलेक्टिव एमनीशिया, इसमें से कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्नैरियो बेस्ड हो सकता है जिसमें आपको स्नैरियो दिया गया होगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एमनीशिया है, लोकलाइज है, सेलेक्टिव है, जनरलाइज है या कंटिन्यूस है। सिस्टमेटाइज्ड एमनीशिया है, परमानेंट एमनीशिया है, और डिसोसिएटिव फ्यूज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, और जिसमें आपसे पूछना है उन्होंने कि फ्यूज क्या है और डिसोसिएटिव फ्यूज क्या है उसको एक्सप्लेन करें, और जिसमें आप सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी हो सकता है इसमें से। फिर नेक्स्ट है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में, डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन क्या है, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन को एक्सप्लेन करें, या ये एमसीक्यूज में आपसे जो हाईलाइटेड हैं ये पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन दी गई होगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये डीपर्सनलाइजेशन है या डीरियलाइजेशन है, और स्पेसिफाई इसका क्या है, अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स क्या हैं, और एटियोलॉजी क्या है इसकी, साइकोनॉमिक जो है थ्योरी वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है, ये अलग से आ सकते हैं क्वेश्चन में, और बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है इस चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स कौन से हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज भी हैं इसमें हाईलाइटेड वाले, और बाकी जो हैं ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, फीडिंग एंड ईटिंग से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, और ये फर्दर जो है इसका हाईलाइटेड जो है ये एमसीक्यूज हैं, और इसमें नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स आते हैं इस कैटेगरी में वो कौन से हैं, जो पीका डिसऑर्डर है उसके बारे में कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है, और जो हेयर डर्ट एंड फ्लैक्स वगैरह हैं अगर ये हम खाते हैं, ये बच्चे खाते हैं तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये कोई सिनेरियो भी दिया जा सकता है आपको, और उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसऑर्डर है। और पीका का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूमिनेशन डिसऑर्डर का भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये डिसऑर्डर क्या है। अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, और ये कंसेप्चुअल भी इंपॉर्टेंट है, यानी सिनेरियो बेस्ड आपसे क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, और एमसीक्यूज भी हो सकता है कोई भी, और इसकी जो सिम्टम्स हैं जैसे सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये डिपेंडेंस है, या फिर मार्क इंटरफेरेंस है विद साइकोसोशल फंक्शनिंग, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया नर्वसा क्या होता है, इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, उसको इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये किस टाइप के साथ है, यानी स्पेसिफाई में हम देखते हैं ये रिस्ट्रिक्टिंग टाइप है या फिर बिंज ईटिंग टाइप है, और पार्शियल रिमिशन और फुल रिमिशन में भी हम इसको देखते हैं, सिवियरिटी हम देखते हैं इसकी बीएमआई के साथ, और माइल्ड मॉडरेट सिवियर और एक्सट्रीम है जिसमें, और ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में से लाजमी आता है। फिर बुलिमिया नर्वसा है, उसके बारे में ओवरऑल जो है एक्सप्लेनेशन उसकी, स्पेसिफाई इसका भी सेम है, इसमें जस्ट माइल्ड मॉडरेट सिवियर एक्सट्रीम जो है वो देखते हैं हम कि कितने एपिसोड्स के साथ हैं, और कंपेंसेटरी बिहेवियर जो है इन अप्रोप्रिएट वो पर वीक जो है वो इसमें कितने एपिसोड्स हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसके जो सिम्टम्स हैं ये लाजमी इसको देखना है आपने, एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। फिर पार्शल रिमिशन फुल रिमिशन या करंट सिवियरिटी जो है इसकी उस पर ही डिपेंड करती है कि कितने एपिसोड्स पर वीक हैं। अदर स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट है, अनस्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट है। अदर स्पेसिफाइड में अलग से आपको एक कोई भी सिनेरियो दिया गया होगा जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, सपोज के एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वसा जिसमें आपके पास ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो ये फिर इस पर्टिकुलर जो है वो डिसऑर्डर पे हम करते हैं रिलाई करते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं अगर हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो नहीं है, या हमारे पूरे जो क्राइटेरिया है एनोरेक्सिया नर्वसा का वो पूरा नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से फिर हम एटिपिकल एनोरेक्सिया यूज़ करते हैं। फिर बुलिमिया नर्वसा भी इसी तरह ही है कि हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो कम है या फिर फ्रिक्वेंसी लो है और वो पूरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का भी इसी तरह ही है, पर्जिंग डिसऑर्डर भी है, और नाइट ईटिंग सिंड्रोम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में ओवरऑल जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर अनस्पेसिफाइड है, एटियोलॉजी है उसके, यानी कॉजेज हैं पीका डिसऑर्डर के, रूमिनेशन की एटियोलॉजी की, इनकी अलग अलग से एटियोलॉजीज हैं, कॉजेज हैं जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि एटियोलॉजी जो है लिखें पीका डिसऑर्डर की या रूमिनेशन की या फिर अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की और एनोरेक्सिया नर्वसा की, बुलिमिया नर्वसा की,
इसमें जो पॉइंट्स हैं फर्दर, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा आए हुए हैं पेपर में उनको हाईलाइट किया गया है, लेकिन ओवरऑल आपने सबको चेक कर लेना है। फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, नेक्स्ट चैप्टर है स्लीप वेक डिसऑर्डर के बारे में, और ये स्लीप वेक डिसऑर्डर यानी स्लीप से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, इनसोमनिया है, हाइपरसोमनोलेंस है, नार्कोलेप्सी है, ब्रीदिंग रिलेटेड है, सर्कैडियन रिदम है, पैरासोमनियाज हैं, इनसोमनिया के डिसऑर्डर क्या है, इस तरह से आपको डिसऑर्डर की कैटेगरी भी मेंशन करने के लिए कहा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन जो है ये भी हो सकता है कि स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में कौन से डिसऑर्डर आते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, इंसोमनिया क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें, ये जनरल क्वेश्चन हो सकता है आपसे, या फिर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्राइटेरिया है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाई यानी उसमें एपिसोड्स की डेफिनेशन अलग है, एपिसोडिक की, परसिस्टेंट, रिकरेंट, इनकी डेफिनेशन से आपसे पूछा जाएगा कि ये एपिसोडिक है, परसिस्टेंट है या रिकरेंट है। इसी तरह हाइपरसोमनेंस डिसऑर्डर है, इसमें जो स्पेसिफाई है उसमें एक्यूट, सब एक्यूट और परसिस्टेंट आता है, और माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी जो है वो उसकी सीवियर लेवल पे देखते हैं हम, सीवियरिटी देखते हैं करंट। और जो सिमिलर क्राइटेरिया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी इंसोम्निया, हाइपरसोमनेंस का डिसऑर्डर का सिमिलर क्राइटेरिया कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। नार्कोलेप्सी क्या है, ओवरऑल इसको एक्सप्लेन करना है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो भी आपने लिखना होगा। और इसमें कुछ MCQs हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हाइपोक्रेटिन डेफिशिएंसी है तो किससे मेजर करते हैं हम, तो CSF है उसके लिए, करंट सीवियरिटी, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, इसकी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, MCQs में आपसे पूछी जाएंगी कि ये मॉडरेट लेवल है या सीवियर लेवल के है। ब्रीदिंग रिलेटिंग डिसऑर्डर है, इस तरह से उसमें कौन से डिसऑर्डर आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और अगर 5 मार्क्स का है तो इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। ऑब्सेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोपनिया क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, सीवियरिटी इसकी कितनी है, और ये अलग से MCQs में पूछा जाएगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या है, इसका डायग्नोस्टिक भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, और हाइपोवेंटिलेशन का डिसऑर्डर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्कैडियन रिदम के अलग से डिसऑर्डर्स इसमें हैं, काफ़ी टाइप्स हैं इसकी, जिसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और डिलेड स्लीप फेज टाइप क्या होती है, जब इसको आपने कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है देन आप उसको इजीली सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इरेगुलर स्लीप वेक टाइप क्या है और इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसी तरह नॉन 24 आवर स्लीप वेक टाइप क्या है, और शिफ्ट वर्क टाइप क्या है। इस तरह कोई भी सिनेरियो दिया गया होगा आपने जस्ट उसको देखना है कि किस टाइप के बारे में है ये, अपने उसको जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें से। नेक्स्ट है पैरासोमनियस क्या होते हैं, पैरासोमनियस का ओवरऑल इस पर क्वेश्चन होगा। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो क्या है, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर, इसमें अलग ये क्वेश्चन आएगा, और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, या स्लीप वॉकिंग स्लीप टेरर के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह से नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या है, ओवरऑल इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, इसमें जो इसका स्पेसिफायर है एक्यूट, सब एक्यूट, परसिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है MCQs में, माइल्ड मॉडरेट सीवियर में भी, इसमें से भी MCQs आएंगे। और REM जो है स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पूछा जाएगा आपसे। और रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये, और इसमें जो ऑप्शंस हैं ये आपके MCQs में आते हैं। और सिमिलर क्राइटेरिया है नाइटमेयर का, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिसऑर्डर क्या है, एटियोलॉजी क्या है स्लीप वेक डिसऑर्डर की, जैसे कि जेनेटिक बेसिस जो है वो सिर्फ नार्कोलेप्सी के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एजिंग का फैक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। डिस्रप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर कौन से हैं और किस में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में या फीमेल्स में, और उसकी कैटेगरी क्या है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप उसको स्टॉप करके आपने रीड कर लेना है हैंडआउट्स को, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है।
तो स्टॉप करके साथ साथ ही आप उसको रीड करें, उसको एमसीक्यूज को देखें कि कौन से एमसीक्यूज हैं इसमें, और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, आपके क्विज वगैरह में आए हैं, पेपर में आए हैं, और इनमें से आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज लाजमी आ जाएगा। 90% जो है वो एमसीक्यूज इसी में से, हैंडआउट्स में से आते हैं, बाकी 10% जो है वो आपके कंसेप्चुअल होते हैं, स्नैरियो बेस्ड होते हैं, जिनमें उन्होंने आपसे जो स्नैरियो आपको दिया गया होगा आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरह से अलग से यहाँ पर जो डिफाइंड डिसऑर्डर है उसकी जो आप कैटेगरीज हैं आगे से, इसमें एमसीक्यूज आते हैं, एंग्री है तो कौन सी कैटेगरी है, आर्गुमेंटेटिव विंडिक्टिवनेस तो कोई कैटेगरी दी गई होगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है किस में आएगी, इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। और देन उसकी जो एज है वो क्या है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में, करंट सिवियरिटी कितनी है उसकी, देन इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर क्या होता है और ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसकी एज क्या है, चिल्ड्रन में इसकी एज क्या है, डिस्ट्रप्टिव इंपल्स कंट्रोल दूसरा है, कंडक्ट डिसऑर्डर, और ये सारे सिम्टम्स बताकर आपसे पूछा जाएगा ये डिसऑर्डर कौन सा है, और ये कोई भी स्नैरियो दिया गया होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा वो चोरियां करता है, ठीक है, या वो इस तरह फायर सेटिंग शॉप लिफ्टिंग में फ्रॉजरी में इन्वॉल्व है, और वो फिजिकली क्रूअल है टू पीपल और एनिमल्स, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कंडक्ट डिसऑर्डर है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और कौन सी एज में जो है वो ये स्टार्ट होता है, और इसके बाद कौन सा डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर के बाद आता है, और रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, और इसके भी आगे फर्दर जो टाइप्स हैं अग्रेशन है टू पीपल एंड एनिमल्स, उस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, डिसीटफुलनेस और थेफ्ट है, सीरियस वायलेशन हैं, तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी उनके अंडर हैं ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएंगे, और एमसीक्यूज में आपको ये पॉइंट देकर और पूछा जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें आपने देखने है चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप के साथ हैं या एडोलेसेंट ऑनसेट टाइप के साथ हैं या अनस्पेसिफाइड ऑनसेट है, और करंट सिवियरिटी उसकी क्या है। इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और इसके बारे में, और एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। पाइरोमेनिया क्या होता है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लेप्टोमेनिया का भी इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, बिकॉज ये शॉर्ट है, ये पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाएगा, और इनमें से कोई भी पाइरोमेनिया या क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स हैं और अनस्पेसिफाइड क्या होते हैं, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, अदर स्पेसिफाइड को ओवरऑल आपने एक्सप्लेन करना है, या अनस्पेसिफाइड में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह इसको अच्छे तरीके से देखना है कि अदर स्पेसिफाइड में हम रीजंस मेंशन करते हैं, अनस्पेसिफाइड में हम रीजन मेंशन नहीं करते। टियोलॉजी क्या है उसकी, कंडक्ट डिसऑर्डर्स की, उसके जो एटियोलॉजी है उसके फैक्टर्स कौन से हैं, मल्टीपल कॉजेज हैं उसके ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के, ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जिसमें पर्सनल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनमें से जो हाईलाइटेड हैं एमसीक्यूज भी हैं, एंड देन अलग अलग से इनकी एटियोलॉजी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लाजमी आएगी एटियोलॉजी किसी की। कंडक्ट डिसऑर्डर हैं उसकी एटियोलॉजी क्या है, पर्सनल फैक्टर्स उसमें और फैमिली फैक्टर्स हैं, कम्युनिटी फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। क्लेप्टोमेनिया का जो एटियोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट एटियोलॉजी है उसकी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आ सकती है, और जितने भी क्वेश्चन ये आपको बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको भी आ सकते हैं अगर सफल होकर आएंगे। हर चैप्टर में से हर स्टूडेंट को कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है, तो इसलिए सारे एमसीक्यूज कंसीडर करें, बिकॉज आपको कोई सा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एमसीक्यूज जो है वो आपने देखना है या दो देखने हैं तो वही आ जाएंगे। अगर आप सारे देखकर जाएंगे, सारे ही आपके माइंड में होंगे, तो उनमें से अगर एक या दो आते हैं तो वो आपके माइंड में होंगे, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इस तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उसकी टाइप्स क्या हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या चीज़ें हैं, कमोबिडिटी जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, बी में कौन से हैं, सी में कौन से हैं, इनकी डेफिनेशंस और इसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ भी आते हैं इसमें से, और हर डिसऑर्डर को आपने अच्छे तरीके से देखना है, बिकॉज सिनेरियो में पूछा जा सकता है कि ये जो पर्सन है उसकी सिम्टम्स बताए जाएंगे और उसके बारे में बताया जाएगा, देन आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है। कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ओवरऑल क्वेश्चन के लिए, क्लस्टर ए में कितने डिसऑर्डर आते हैं और वो क्या होते हैं, किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं वो, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है ओवरऑल, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है, और शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये जो हाईलाइट किया गया है आपने वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, इसमें से एमसीक्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैं सब, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंड देन शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका इंपॉर्टेंट है, और जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हैं, क्लस्टर बी में कौन से डिसऑर्डर आते हैं और उसके फर्दर जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सारे सिम्टम्स अच्छे तरीके से देखने हैं जो 1 to 7 तक मेंशन है, एंड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, 8 to 9 सिम्टम्स हैं इसके, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसके भी सिम्टम्स हैं 1 to 8 तक हैं, इसको अच्छे तरीके से देखना है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है इसका, इस तरह क्लस्टर सी में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं, वो एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, अवॉइडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं, या ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, सिम्टम्स हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, इस तरह जितने भी ये सारे डिसऑर्डर्स हैं इनको अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इनके सिम्टम्स देखने हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद रखना है इनका, ओसीडी पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्डर क्या है और इसके भी सिम्टम्स फर्दर क्या हैं। इसमें नेक्स्ट है आपके पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट 5 marks के क्वेश्चन में आएगा, देन एटियोलॉजी है उसकी कॉजेज क्या होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हाईलाइट हैं जो पेपर में आए हुए हैं बार बार, इनको रीड करें अच्छे से, इसमें MAO है उसका रोल क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं, एंड देन जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के जो सिम्टम्स हैं, या एटियोलॉजी उसके कॉजेज हैं, एंड देन हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अलग से कॉजेज मेंशन हैं, और इस तरह से कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स कौन से हैं, जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, या फिर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी के बारे में बताएं उसके कॉजेज क्या हैं, या एटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स कौन से हैं उसके, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसकी एटियोलॉजी क्या है, और इस तरह अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसकी एटियोलॉजी क्या है, देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी की सबकी जो एटियोलॉजी है सब इंपॉर्टेंट हैं और अलग से क्वेश्चन आ सकता है इन सब पे, तो ये एटियोलॉजीज जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है क्वेश्चंस वाइज भी, और इसमें जो एमसीक्यूज हाईलाइट हैं वो भी देखने हैं आपने, तो ये चैप्टर भी कवर हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो क्वेश्चन हैं वो भी बता दिए गए। नेक्स्ट 35 है, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट जो है वो हाईलाइटेड हैं एमसीक्यूज सारे, और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो हैं कैटेगरीज हैं, पैराफिलिक डिसऑर्डर है, जेंडर डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स ओवरऑल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पैराफीलिया टर्म जो है वो किस तरह से इसको एक्सपेंड करना है आपने आप वो बताना है, और ये हाईलाइटेड जो है एमसीक्यूज हैं। देन फॉलोइंग डिसऑर्डर्स जो हैं कैटेगरीज, इन सब की जो डिसऑर्डर्स हैं कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ये,
और देन हर डिसऑर्डर के बारे में आपने जो फर्स्ट उसका है क्राइटेरिया वो देखना है, यानी कि ए वाला देखना है, और इस तरह से उस डिसऑर्डर को आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, और ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में ये डेफिनेशन आ सकती हैं, देन स्पेसिफाई आ सकते हैं, स्पेसिफाई वेदर आ सकता है, प्रोटेरियोस्टिक डिसऑर्डर क्या है, इस तरह से इसमें हर डिसऑर्डर की और एक स्पेसिफाई जो है विद एसपीओ एग्जाफिलिया, तो ये काफ़ी टफ नेम है, तो इस तरह से ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है बहुत बार, एंड देन उसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, पेडोफिलिक डिसऑर्डर क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्पेसिफाई भी हम किस तरह उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर क्या है, इस तरह से हर डिसऑर्डर के बारे में आपने उसका कॉन्सेप्ट देखना है और जो स्पेसिफाई है वो भी देखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते हैं, और एटियोलॉजी देखनी है जिसमें न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं या रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें फर्दर कैटेगरी जो जनरल डिसमॉर्फिया है, जेंडर डिसमॉर्फिया इसकी डेफिनेशन आती है बहुत बार एमसीक्यूज में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में डिफरेंस बताना है आपने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जेंडर डिसमॉर्फिया है वो क्या है, जेंडर डिसमॉर्फिया का जो जो एक सिमिलर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और चिल्ड्रेन में उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, और एडल्ट्स में या एडोलसेंट में उसका क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन उसकी कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एटियोलॉजी किसकी क्या है, जेंडर डिस्फोरिया की, और साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल या फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, और ये हाईलाइटेड एमसीक्यूज़ भी हैं जिसमें से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत बार आया हुआ है कि अर्ली ऑनसेट जो है जेंडर डिस्फोरिया का वो कब डिवेल्प होता है, अर्ली प्री स्कूल एज में डिवेल्प होता है, इस तरह से एमसीक्यूज हैं। फर्दर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ से जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है उसके एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीडी डिसऑर्डर क्या होते हैं और वो उसके बारे में डीएसएम में कौन कौन से डिसऑर्डर इसके अंडर आते हैं, और इसमें की कैटेगरी जो है वो क्या है, मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कौन से हैं, और डिलीरियम क्या है, डिलीरियम की कोई सिम्टम्स मेंशन किए जाएंगे, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये डिसऑर्डर जो है वो डिलीरियम है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज सारे ही आप पास्ट पेपर से चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली, या क्विज फाइल से चेक कर सकते हैं, तो इस चैनल पर भी अवेलेबल हैं काफ़ी क्विज वगैरह, जो थर्ड वाला क्विज है या फोर्थ क्विज है अब नॉर्मल साइकोलॉजी का, आप वहाँ पर जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो क्विज में आए हुए हैं, और अगर आपको क्विज में नहीं आए तो इट मीन्स आपको पेपर में आ सकते हैं, आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और यानी दूसरे बच्चों को क्विज में जो आते हैं एमसीक्यूज वो आपको पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए सारे जो एमसीक्यूज हैं वो उनको चेक किया करें, और ये लाजमी नहीं है कि अब हर बच्चे को आएंगे, बल्कि ये शफल होते हैं एमसीक्यूज, लेकिन हर चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज हाईलाइट किए गए हैं उनमें से एक दो लाजमी आपको आएगा, और इस तरह सब बच्चों को ही डिवाइड होकर ये एमसीक्यूज आएंगे, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी आपने मिस नहीं करना या कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन भी इसी तरह ही शफल होकर आएंगे, और स्पेसिफाइज कब देखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहेवियर डिस्टर्बेंस के साथ है विदाउट बिहेवियर डिस्टर्बेंस है, इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये बहुत बार आया है कि माइल्ड में अगर हाउस वर्क ही जो बताया गया होगा स्नैरियो दिया गया होगा और डिफ़िकल्टीज हैं अगर हाउस वर्क में तो कौन सा ये सीवियरिटी लेवल कितना है, माइल्ड है मॉडरेट है या फिर सीवियर है। एनसीडी है ड्यू टू अल्जाइमर डिसऑर्डर्स डिसीज, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं इसके बारे में देखना है आपने, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रोबेबल अल्जाइमर डिसीज, पॉसिबल अल्जाइमर डिसीज क्या है, एंड देन फ्रंटोटेम्पोरल न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं, इस तरह से जो डिसऑर्डर्स हैं लिवी बॉडीज उसके बारे में है, और इनमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जितना भी ये हाईलाइटेड पैराग्राफ है इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज हैं, और लिविंग बॉडीज क्या होती हैं, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे, इसमें काफ़ी सारे हैं,
एंड देन प्रॉबेबल है या पॉसिबल उसका जो डिसऑर्डर है, और वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, और इनके बारे में जो डेफिनेशन है वो देखनी है आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं टीबीआई की डेफिनेशन, एंड देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसका इंपॉर्टेंट है, एंड देन सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू एचआईवी इन्फेक्शन, इस तरह से जितने भी अलग से डिसीजेज के साथ हैं ये डिसऑर्डर उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और यानी उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पार्किंसन डिसीज के साथ हैं तो ये जितने भी डिसीजेज के साथ आते हैं इन सबका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है आपको, और अनदर मेडिकल कंडीशन के साथ है, या फिर एटियोलॉजी ऑफ डिलीरियम क्या है, एटियोलॉजी आ सकती है जिसमें पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, और इनमें से जितने भी कॉजेज बताए हैं इसमें से कोई एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, जैसे मेटाबॉलिक इंबैलेंस है, लो सोडियम कैल्शियम किस में देखते हैं हम, कौन सा डिसऑर्डर है ये, तो भाई डिलीरियम जो है उसका ये एटियोलॉजी है उसकी, इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, और ओवरऑल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, एंड देन एटियोलॉजी ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है उसमें अल्जाइमर डिसीज के साथ है, लिवी बॉडीज डिमेंशिया के साथ है, या फ्रंटोटेम्पोरल एनसीडी के साथ है, एंड देन अलग से एटियोलॉजी है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर की, इस तरह से सबकी एटियोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इसमें न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो हर जो है वो अलग डिसीज के साथ आए हैं तो उनकी एटियोलॉजी डिफरेंट होगी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आपने इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्शन डिसऑर्डर, यहाँ से स्टार्ट होंगे और लास्ट चैप्टर जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड होगा एंड तक। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, इसमें इससे कौन से चीज़ें हैं, सब्सटेंस क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है ये, और सब्सटेंस और ड्रग में क्या डिफरेंस है, या ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, और सब्सटेंस और ड्रग का जो डिफरेंस है वो आपने देखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है सारा, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है आपने, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की डेफिनेशन क्या होता है ये क्वेश्चन, टॉलरेंस विथड्रॉल में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे एमसीक्यूज में हो वो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, एंड देन अलग से जो डिफरेंट टाइप्स हैं सब्सटेंसेस की वो कौन से हैं, और इस तरह इसकी कोई भी डेफिनेशन आ सकती है जिसमें आपसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेडेटिव्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, या फिर कैफीन है, टोबैको है, या फिर अल्कोहल है, कैनाबीज कौन से हैं, हेलुसिनोजन क्या हैं, इनहेलेंट्स क्या हैं, ओपियड्स क्या हैं, इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है, और जैसे कि इनहेलेंट्स अगर स्प्रे पेंट्स हैं, मार्कर्स हैं, ग्लूज पसंद है किसी को बहुत ज़्यादा तो वो क्या है, इनहेलेंट्स हैं ये सारे, ओपियड्स कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट है बेंजोडाइजपाइन्स वो हम कब यूज़ करते हैं, ड्रग कौन सा है, किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, और इस तरह ओपियोइड है, ओपियोइड किस काम आते हैं, ओपियम का क्या पर्पस है, मॉर्फाइन का क्या पर्पस है, और हीरोइन जो है इसका क्या पर्पस है, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, इस तरह से आपने ये सबकी डेफिनेशन देखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे, गैम्बलिंग है उसकी डेफिनेशन, और सब्सटेंस इंड्यूस यूज डिसऑर्डर कौन से होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ओवरऑल क्वेश्चन आएगा ये भी, और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की जो आगे फीचर्स हैं जनरल वो कौन से हैं। सो नेक्स्ट है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, लेसन नंबर 40 है ये सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर में, और इसमें फॉलोइंग जो डिसऑर्डर्स आते हैं और जो स्पेसिफिक सब्सटेंस हैं वो कौन से हैं, इंटॉक्सिकेशन, विथड्रॉल, इनके अलग से जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो अलग से देखना है आपने, इंटॉक्सिकेशन का अलग से देखना है, इंटॉक्सिकेशन क्या होती है, सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसमें इंटॉक्सिकेशन की जो सिम्टम्स हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते हैं और सारे पॉइंट्स देखने हैं आपने इसके, और इसमें से विथड्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं, सब्सटेंस इंड्यूस मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, एंड देन न्यूरो अडेप्टेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में भी, टॉलरेंस का इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एंड देन नेक्स्ट है फर्दर इसकी कैटेगरीज, कॉमन जो क्राइटेरिया है उसका क्या है, सिमिलर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इन डिसऑर्डर्स का क्या है, और ये अलग से डिसऑर्डर आते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, कैनबिस यूज डिसऑर्डर, लेकिन ये जो कॉमन क्राइटेरिया अगर आप उसको याद कर लें तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर। अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं,
और इसमें जो रिस्क फैक्टर्स या जो भी ये चीज़ें सारी मेंशन की गई हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एंड देन फॉलोइंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से आते हैं इस कैटेगरी में, और ये इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और ये बिकॉज ये सिम्टम्स से ही साइंस वगैरह सिम्टम्स बताकर ही आपसे पूछा जाता है कि ये जो है कौन सा डिसऑर्डर है, और आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा इस तरह से, अल्कोहल विथड्रॉल है तो उसके सिम्टम्स अलग से हैं, और अगर ये सिम्टम्स हैं तो फिर आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरह से एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये, और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन होते हैं। कैफीन रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, कैफीन किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती है, किस चीज़ में होती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कैफीन इंटॉक्सिकेशन विथड्रॉल और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इंटॉक्सिकेशन के साथ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट है ये 12 सिम्टम्स हैं उसके। अगर विथड्रॉल के साथ है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, और कैनबिस इंटॉक्सिकेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैनबिस विथड्रॉल के सिम्टम्स अलग से होंगे, सो नेक्स्ट है हेलुसिनोजन है रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, और इस कैटेगरी में कौन से डिसऑर्डर आते हैं, एंड देन उसको एक्सप्लेन करना है। फ्रांसिस लिडाइन है, इंटॉक्सिकेशन है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, अदर हेलुसिनोजन इंटॉक्सिकेशन है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अपने सिम्टम्स आएंगे जैसे कि स्वेटिंग है, पल्पिटेशन है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, ट्रेमर्स हैं, इनकोऑर्डिनेशन है, तो ये सारे सिम्टम्स उन्होंने बताने हैं। आपने जस्ट फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये डिसऑर्डर है, हेलुसिनोजन यूज़ है, और हेलुसिनोजन परसिस्टेंट परसेप्शन डिसऑर्डर क्या है, एंड इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, इनहेलेंट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और विथड्रॉल का है नेक्स्ट, और ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये सारा जो पैराग्राफ है हाइलाइटेड है, इसमें बहुत से एमसीक्यूज हैं, इसको रीड करना है। मॉर्फिन कहाँ पे यूज़ होती है, हीरोइन कहाँ पे यूज़ होती है, और फॉलोइंग कैटेगरीज जो हैं वो आप ओपियोइड की देख रहे हैं, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर क्या है, ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, एंड देन ओपियोइड विथड्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं, इस तरह सेडेटिव हिप्नोटिक जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, एक्सियोलिटिक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कौन से रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड सोर्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, एंड देन विड्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं, स्टिमुलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है नेक्स्ट। यहाँ पर आपने उसका देखना है सिवियरिटी लेवल देखना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोबाको रिलेटेड डिसऑर्डर, और ये इसमें निकोटीन होती है, सिगरेट्स में क्या चीज़ कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें जितने भी हाईलाइट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंटर है वो कौन सा होता है, टोबाको विथड्रॉल जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं। नेक्स्ट ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सिम्टम्स मोस्टली जो है स्टूडेंट से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने सबको अच्छे तरीके से देखना है। चाहे आप उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, नेमोनिक की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या एक्रोस्टिक की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, यानी आप उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको मिलाकर और उनके स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनके जो नेम है, इंटॉक्सिकेशन यानी जो भी डिसऑर्डर है उसकी इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स हैं या विथड्रॉल के हैं तो उसके नेम्स को भी बनाकर दे सकते हैं। यानी आपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नेम्स में यूज़ करना है, कुछ स्पेसिफिक नेम बनाने, इस तरह से कोई टेक्निक यूज़ करके आप इजीली उसको फिर याद रख सकते हैं। नॉन सब्सटेंस मेडिकेशन सॉरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं,
गैम्बलिंग डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बहुत बार आया हुआ है पेपर में और ये किसी को भी आ सकता है, तो ये ज़रूरी है, इसको करके चाहें, देख के चाहें अच्छे तरीके से। स्पेसिफायर माइल्ड मॉडरेट सीवियर देखना है, एटियोलॉजी देखनी है और इसके जो फैक्टर्स हैं कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एडिक्टिव बिहेवियर में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर के, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्दर कैटेगरीज वो भी देखने हैं आपने, रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो एडिक्टिव डिसऑर्डर के। दिस इज लास्ट चैप्टर और इसमें जस्ट आपने वो देखना है पर्सपेक्टिव, सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में, सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स जितने भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड सारे एमसीक्यूज हैं। साइकोड्रामिक पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में और बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये सारी थेरीज उन्होंने अलग अलग से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देखना है आपने। कोई भी किसी भी थेरी का पर्सपेक्टिव जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है एटियोलॉजी क्या है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है जिसमें ट्विन स्टडीज़ की जाती हैं, अडॉप्टिव स्टडीज़ की जाती हैं वो क्या होती हैं और उनका जो रिसर्च फाइंडिंग है वो क्या थी। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं किस तरह से वर्क करते हैं, उनका रोल क्या है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं और आपके एमसीक्यूज भी हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है और जो ड्रग्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व हैं उसमें, ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो जो आपका डोपामिन है न्यूरोट्रांसमीटर वो इन्वॉल्व होता है, वो किस तरह से एक्टिव होता है, वो ये सारा सिस्टम क्या है और ये सारा जो प्रोसीजर है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में और क्वेश्चन भी है। और डोपामिन एक्टिविटी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं, न्यूरॉन्स क्या हैं एंड देन रिवॉर्ड्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिव सेंसिटाइजेशन थ्योरी क्या होती है, ये आपके एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज योर लास्ट लेक्चर और आई होप आई मेड इट क्लियर, जितने भी एमसीक्यूज हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर दिए गए हैं और 90% जो हैं वो ये इसमें से ही आएंगे, 10% जो है वो कंसेप्चुअल हैं, स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं वो भी आपको गाइड कर दिया गया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन ईजिली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके 100% मार्क्स आएंगे, यानी 4 CGPA आएगा, यानी जो आपको मेथड बताया गया है, जो आपको ये एमसीक्यूज बताए गए हैं, क्वेश्चंस बताए गए हैं, अगर आप ये सारे कर लेते हैं देन आपका 4 CGPA आएगा और यानी जो भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यही सब कुछ पेपर में आता है। हर चैप्टर में से जो एमसीक्यूज हाईलाइट किए गए हैं वो किसी ना किसी स्टूडेंट यानी हर स्टूडेंट को वो डिवाइड होकर आएंगे, किसी एक स्टूडेंट के कोई एमसीक्यूज आएगा, दूसरे को कोई दूसरा एमसीक्यूज आएगा, इस तरह से शफल होते हैं और वो मोस्ट लाइकली कि वो रिपीट भी हो सकते हैं। सो इसमें आपको वो पूरा गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। सो यहाँ पर आपकी फैसिलिटेशन के लिए बहुत डिमांड थी, स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए। सो शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए, उनकी प्रिपरेशन जो है वो करना ईजी हो जाए और वो थोड़े वक्त में प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी इफ़ यू लाइक दैट। और अगर आप फर्दर जो है वो लेक्चर्स या फर्दर वीडियोस अपडेट जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, फॉलो करें एंड इसके अलावा दूसरा चैनल जो है साइकी सीकर उसको भी विजिट कर लें, अगर वो भी इंटरेस्टिंग लगता है आपको आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।